चलिए, तो हम लोग अपना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फोर्थ पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले जो उसमें आपके विचारक दिए हुए हैं सुकरात। तो देखो, अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आपने उनको अपने दिमाग में बिठा लिया तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये तीनों ही पढ़ने में बहुत सुविधाजनक हो जाएंगे। एक चीज आप लोग सभी दिमाग में अवश्य रखें कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम 2020 में परिवर्तित किया गया है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, और उस परिवर्तित या बदले हुए सिलेबस के अनुसार कभी अभी केवल एक एग्जाम हुआ है, वो 2020 की मुख्य परीक्षा, और अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आप बिल्कुल समझ लें कि एक ही पेपर हुआ है अभी तक सिलेबस चेंज होने के बाद। तो कोई भी विचारक आप पढ़ोगे उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आगे आपकी मुख्य परीक्षाएं होंगी उसमें पूछे जाएंगे। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लें। पहले उस पेपर का नाम भी कुछ और लिया जाता था, अब नाम भी बदल दिया गया है, तो अब उस पेपर का नाम क्या है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ये आप लोग सिलेबस खोल के देखना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये चीजें बार बार इसलिए हम आपको समझाते रहते हैं कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी जो भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है एक ही पेपर हुआ है उसका ले दे के। तो आगे अभी बहुत संभावनाएं हैं, सुकरात से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, सुकरात के सामने सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी करके गए थे वो कौन थे? सोफिस्ट। सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा क्या थी? ज्ञान मीमांसा क्या होती है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ज्ञान मीमांसा में उन विधियों का अध्ययन किया जाता है कि आखिर हम ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं। तो सोफिस्टों की जो ज्ञान मीमांसा थी वो प्रत्यक्ष पर आधारित थी। उनका कहना था कि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि भैया ये प्रत्यक्ष क्या होता है, क्या भला है? तो उसको भी हमने कई बार यहां पर बहुत बार दोहरा दिया है। जो हम पांच इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात क्लियर हो गई है। फिर तीसरी बात जिस पर बहुत हम लोगों ने चर्चा की थी पहले भी, कि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है, इंडिविजुअल होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। इस पर बहुत चर्चा करी। तो सिंपल सी बातें बहुत ही सरल सरल सी हैं, इनको हवा बना के मत पढ़ना। सोफिस्ट, क्या बोल रहे हैं? ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसके आगे की कहानी आप लोग जानते ही हो कि ज्ञान अगर प्रत्यक्ष होता है तो वो ज्ञान कैसा होगा? इंडिविजुअल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, सापेक्ष होगा, परिवर्तनशील होगा। अब इसी चीज को इन्होंने किस पर लागू किया? नीति शास्त्र में। नीति
नीति शास्त्र में लागू किया। अब ये सिद्धांत अगर आप नीति शास्त्र में लागू करते हो तो उससे क्या मायने निकलते हैं कि नैतिकता भी कोई सार्वभौमिक चीज नहीं है, वो क्या हो जाती है, व्यक्तिगत। तो यहीं से समस्याएं खड़ी हो गई थी। किसी को लगे कि भाई चोरी करना उचित है तो उसके लिए चोरी करना उचित है, किसी को लगे ईमानदारी उचित है तो उसके लिए ईमानदारी उचित है। ये इन्हीं चीजों ने सुकरात को परेशान किया। सुकरात का कहना था कि नहीं, जो न्याय है, जो साहस है, जो वीरता है, वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए, वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल होनी चाहिए। और जिंदगी भर सुकरात इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते रहे। जिंदगी भर उनका पूरा जीवन निकल गया कि न्याय क्या होता है, शुभ क्या होता है, अच्छाई क्या है, इन सब चीजों को खोजते रहने में उन्होंने पूरी उम्र निकाल दी अपनी। और मजे की बात यह है कि इन प्रश्नों के कभी भी उनको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए, कहीं पर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, संतोषजनक उनको प्रश्न उत्तर इनके कभी प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे सुकरात की दर्शन विधि। आखिर सुकरात की विधि क्या थी, तो ऊपर लिख लो आप लोग। देखो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है। एक तो ये 200 शब्दों वाला प्रश्न बनता है। देखिए इसको जरा ध्यान समझ लीजिए। पहले सुकरात की दर्शन विधि, इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुकरात इन विभिन्न समस्याओं का हल किस तरीके से प्राप्त करना चाहते थे, उनका मेथड क्या था। नंबर एक बात, इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप कि सुकरात की दर्शन विधि को परिभाषा मूलक कहा जाता है, तो वो 50 शब्द का भी प्रश्न बन रहा है आपका कि केवल लिख के आ जाए सुकरात की परिभाषा विधि। फिर इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी विधि को वार्तालापी विधि कहा जाता है, इनकी विधि को द्वंद्वात्मक विधि कहा जाता है, इनकी विधि को धात्र विधि भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, सुकरात की दर्शन विधि के पार्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप। और पूरी की पूरी इस विधि का प्रतिपादन जो सुकरात ने किया, उनका मूल बात यह थी कि वो नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। नैतिक ज्ञान क्या है, क्योंकि जो सोफिस्टों ने नैतिकता को छिन्न भिन्न कर दिया था, सुकरात उनको पुनः स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसी का पार्ट है नंबर एक, इसको परिभाषा मूलक विधि भी कहा जाता है। परिभाषा मूलक, हम लोगों ने देखा था, देखो और पढ़ा भी था, थोड़ा सा दिमाग अपना घुमाएं कि सोफिस्ट जब मनुष्य की बात करते थे तो उनका अर्थ होता था अलग अलग मनुष्य। और सुकरात ने क्या कहा था कि हम अलग अलग मनुष्य नहीं, सामान्य मनुष्य की बात करेंगे, और सामान्य मनुष्य में
सभी में बुद्धि पाई जाती है, और उन्होंने मनुष्य का सार गुण बताया था, आप लोगों ने पढ़ा था, पहले बताया था, विवेकशीलता और पशुता। तो ऐसे ही जितनी भी नैतिकता के ये नियम हैं, उनका प्रत्येक का अपना एक सार गुण होता है, तो उस सार गुण को जानना है, और इसीलिए इनकी विधि को कहा जाता है परिभाषा मूलक विधि। तो इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं लिख लो, परिभाषा मूलक विधि बोली थी, उसके आगे आप लोग डैश लगा के लिख लो। लिखो इसमें शुभ का संप्रत्यय, शुभ का संप्रत्यय वह है, शुभ का संप्रत्यय वह है जिसमें शुभ का सार गुण, जिसमें शुभ का सार गुण निहित रहता है। शुभ का संप्रत्यय वह है जिसमें शुभ का सार गुण निहित रहता है। फिर नीचे लिख लो एक लाइन, सुकरात नैतिक शुभ को, सुकरात नैतिक शुभ को संप्रत्यय के द्वारा, सुकरात नैतिक शुभ को संप्रत्यय के द्वारा जानना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए इनकी विधि को क्या कहा जाता है, परिभाषा मूलक विधि। नंबर बी लिखो, नंबर भी लिख लो, वार्तालापी विधि। नाम से ही साबित हो रहा है, बातचीत करके। तो देखो जो नैतिकता है, तमाम सारी नैतिकता होती है, ईमानदारी क्या है, सच्चाई क्या है, वीरता क्या है, साहस क्या है, ये सब नैतिक मूल्य होते हैं, या नैतिकता के इसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। अब सुकरात इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो बड़े से बड़े विद्वान उनके सामने आते थे, उनसे वो पूछते थे कि भैया न्याय क्या है, आंसर, और सामने वाला बंदा आंसर देता था। उन्होंने कहा कि न्याय तो वो है जिसके पास ताकत है, जिसकी ताकत होती है उसी की बात मानी जाती है, वही न्याय है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भी देखो हम लोग देखते हैं समाज में कुछ बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, तमाम मूवीज इन पर बन चुकी है। नॉर्थ इंडिया में आप लोग उत्तर प्रदेश जाएं, बिहार जाएं, बड़े बड़े लीडर हैं, ताकतवर हैं, भैया जी टाइप के लोग हैं। उन्होंने जो कह दिया कह दिया, उनकी बात कोई काट नहीं सकता। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि ये क्या वास्तव में न्याय है, ये क्या वास्तव में न्याय है। हम आपसे ही पूछें कि लाठी पर आधारित न्याय न्याय होता है कि नहीं होता है, नहीं। क्या कहोगे आप, नहीं होता ना। ठीक, तो बातचीत करके सुकरात इन सब चीजों का अर्थ जानना चाहते थे, विद्वानों के सामने बैठते थे, प्रश्न करते थे। फिर किसी ने कहा कि चलो ये परिभाषा अब उन्होंने अमान्य कर दी, चर्चा से ये बात निकलकर सामने आई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये न्याय की डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो फिर वो दूसरी परिभाषा पर आते थे, दूसरी परिभाषा उन्होंने कहा कि जो बहुमत कहेगा क्या वही न्याय है, जो सब लोग कह दें वो न्याय है।
बताओ भाई, जो सब लोग बोल रहे वो न्याय है, क्या ये बात आपको ठीक जच रही कि नहीं जच रही? नहीं जच रही ना? सब लोगों ने कह दिया फलाना व्यक्ति बुरा है, सब लोग बोल रहे हैं तो बुरा हो गया क्या? तो बहुमत न्याय है। अब इस पर आए और इसको भी अमान्य सिद्ध कर दिया। तो सुकरात क्या कर रहे हैं आप देखते चलें, किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, उस पर वार्तालाप कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और न्याय का वो सर्वोच्च, आखिर न्याय होता क्या है इसको जानना चाह रहे हैं। इसके लिए वो विद्वानों से चर्चा कर रहे हैं, विद्वान उनको अपने तरीके से आंसर दे रहे हैं, लेकिन उन आंसर से सुकरात को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तभी तो सुकरात ने कहा था कि जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान का दावा करते हैं, एक्चुअल में वो कुछ नहीं जानते। मैं ज्ञानी हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोटेशन भी आ सकता है, मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। कितनी अच्छी बात बोली कि मैं अपनी कमी को जानता हूं, मैं अपने अज्ञान को जानता हूं, इसलिए मैं ज्ञानी हूं। और जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो अज्ञान को नहीं जानते, वो तो ये मानते हैं कि जो वो जानते हैं वो ही सही है। लेकिन सुकरात का कहना क्या था कि मैं अज्ञानी हूं और मैं इस चीज को जानता हूं। तो इस वार्तालाप की विधि से वो आत्मसंयम, साहस, वीरता, न्याय, शुभ, शुभ का संप्रत्यय सबको जानना चाहते थे, लेकिन कभी उनको इसके संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए। तो इसीलिए इनकी विधि को क्या कहा जाता है? वार्तालापी विधि। अब जैसे ये 50 शब्दों में लिखने को आ जाए, लिख देंगे ना आप लोग? लिख देंगे? क्या लिखेंगे इसमें? कि सुकरात नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। किसके माध्यम से करना चाहते थे? बातचीत करके, वार्तालाप करके, और कभी भी उनको इसके सही उत्तर प्राप्त नहीं हुए। जीवन भर वो इसकी खोज करते रहे। और लास्ट में ये जरूर बात लिखेंगे कि यहीं से उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है वस्तुतः वो कुछ नहीं जानते, मैं अपने अज्ञान को जानता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हूं। क्योंकि अब आप इसको देखो, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लागू करने की कोशिश करो, और पीएससी में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई एक परीक्षार्थी इस प्रकार के होते हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, ठीक, और फिर उनका एक दिमाग में ये बात सेट कर लेते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है, हम तो सारा कुछ पढ़ चुके। जहां ये विचार आपके मन में आ गया वहीं आपकी प्रोग्रेस, उन्नति रुक जाएगी। रोज अपने आप को डिफाइन करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, और उस कमी को दूर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जो सुकरात ने हमको वार्तालाप की विधि जो दी है उसको आप दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब नंबर तीसरा है, इनकी विधि को कहा जाता है संशय मूलक विधि। संशय मूलक विधि, इसको लिख लो नंबर सी, संशय मूलक विधि। डाउट, शंका करना। सुकरात क्या कर रहे हैं? अपने अज्ञान को मानकर चल रहे हैं। उनकी सोच क्या है कि मुझे नैतिकता का ज्ञान नहीं है, मैं नैतिकता नहीं जानता हूं, मैं वीरता नहीं जानता हूं, मैं संशय कर रहा हूं। तभी तो वो लोगों से बात कर रहे हैं इनके सही अर्थ जानने के लिए। इसलिए इनकी विधि को संशय मूलक विधि कहा जाता है।
और आगे चल के दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं डेकार्ट, उन्होंने इस विधि को अपनाया था, संशय मूलक विधि को। बहुत ही मजेदार है। देखो थोड़ा सा आगे का दर्शन शास्त्र वैसे ही आपको समझा दे रहे हैं, जिससे आपको कभी बातचीत में या ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरत हो तो उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हो। आगे चल के जो आधुनिक दर्शन शास्त्र है, मॉडर्न फिलोसफी, पाश्चात्य वेस्टर्न, उसके दो संप्रदाय बन गए थे, एक थे बुद्धिवादी और एक थे अनुभववादी। बुद्धिवादी दार्शनिक ये कहते थे कि जो भी कुछ ज्ञान होता है वो हमारे मन में पहले से ही होता है। अनुभववादी दार्शनिक कहते थे कि नहीं साहब, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अनुभव से करते हैं। बहुत लंबी लड़ाई चलती इनके बीच। तीन बुद्धिवादी दार्शनिक बड़े प्रसिद्ध हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिट्स। तो डेकार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ थे ये। इन्होंने कहा, ये लोग क्या चाहते थे कि ज्ञान जो हो वो सर्वव्यापी हो और परिस्पष्ट स्पष्ट हो, उसी को ज्ञान बोलेंगे। तो इन्होंने हर चीज पर शंका की। उन्होंने कहा इंद्रिय ज्ञान ये सही नहीं है, वैज्ञानिक ज्ञान ये सही नहीं है। सब चीज पर डेकार्ट ने शंका की, संदेह किया। अब यहां समझ लेना, वो ये बात बोलते हैं कि मैं हर चीज पर संदेह कर सकता हूं, लेकिन एक चीज पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। बात आई समझ में? जैसे आप हैं, आप हर चीज पर संदेह करते जाओ, लेकिन एक चीज पर तो संदेह हम नहीं कर सकते कि संदेह करने वाला कौन है, मैं खुद हूं। तो यहीं से उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य दिया है जो दर्शन साथ में बहुत प्रसिद्ध है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयर फोर आई एम। ठीक है, तो वो भी डेकार्ट की विधि भी संशय मूलक विधि थी। उन्होंने कहा था कि मैं हर चीज पर डाउट करूंगा, संदेह करूंगा, क्योंकि मुझे सही ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन इस सब से तो एक बात अच्छी निकल कर सामने आ रही है कि मैं इस पर संदेह नहीं कर सकता कि संदेह करने वाला मैं हूं, मैं तो संदेह कर। तो ये यहां से उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक फॉर्मूला दिया था, तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह बहुत प्रसिद्ध वाक्य है बड़े दार्शनिक डेकार्ट का। तो ये वो होती अपनी संशय मूलक विधि। अब नंबर डी लिखें, द्वंद्ववादी विधि, इसको लिख लो। द्वंद्ववादी विधि यह भी वार्तालापी विधि से मिलती जुलती है। इसमें क्या होता है कि जिस चीज का हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी मसला हो, कोई भी विषय हो, उसमें हम लोग बातचीत करते हैं, तो पहले रखा जाता है पक्ष। जैसे हम लोग न्याय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप ही हो, आप न्याय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप किसी व्यक्ति के पास गए, तो उससे आपने चर्चा की कि भाई न्याय क्या होता है, तो उसने उत्तर दिया न्याय तो वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो कहलाता है पक्ष। फिर आपने ये सिद्ध कर दिया कि जो आप बोल रहे हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये न्याय नहीं है, तो आपने क्या सिद्ध कर दिया,
प्रतिपक्ष, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। इसको आप कहीं भी लागू कर सकते हो। आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई बात आपने कही या सामने वाले इंसान ने कही, तो वो हो जाएगा पक्ष, ठीक है। फिर उसका आपने खंडन कर दिया तो वो क्या हो गया, प्रतिपक्ष। तो पक्ष और प्रतिपक्ष ये विधि कहलाती है कौन सी, द्वंद्ववादी विधि। इसके ही माध्यम से सुकरात नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वो प्रश्न करते थे, साहस क्या है, ईमानदारी क्या है, वीरता क्या है। देखो ये नैतिक नियम है, हम लोग सभी लोग जानते हैं चोरी करना गलत है, नैतिकता के अगेंस्ट है। अब आप एक चीज की कल्पना करो, आप कहीं घूमने फिरने के लिए गए हुए हो या रात में कहीं टहल रहे हो, आपको पांच एक बच्चे भूखे दिखें जो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। सामने एक जनरल स्टोर की दुकान है, आपने देखा कि यार ये बच्चे मर रहे हैं, इनको तत्काल कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता है। आपने अपने जेब में बटुए में हाथ डाला, एक भी रुपया नहीं मिला। सामने जनरल स्टोर है, आप गए छुपते छुपाते कंटेनर से कुछ ब्रेड के पैकेट उठा लिए, यानी आपने वहां चोरी कर ली और चोरी करके लाए और बच्चों को खिला दिया। बच्चे भूख शांत हो गई उनकी, अगर अब वो आप ब्रेड उसको ना खिलाते तो वो बच्चे मर जाते। तो अब बताओ आपका चोरी करना उचित है कि नहीं। चोरी करना यहां सही लग रहा है ना, तो अभी तो हम कह रहे हैं कि चोरी करना गलत होता है। तो यही तो सुकरात को दिक्कत थी, वो प्रश्न पूछते थे, ऐसे ही प्रश्न पूछते थे कि न्याय ये है तो ये अगर परिस्थिति पैदा होगी तो न्याय क्या होगा, और जीवन भर यही करते रहे। लेकिन कभी भी उनको इन नैतिक धारणाओं के सही शुद्ध आंसर प्राप्त नहीं हुए। तो ये द्वंद्ववादी विधि तो बहुत ही प्रसिद्ध है फिलॉसफी में। इसको आगे चल के नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हेगल, इन लोगों ने भी अपनाया। देखो आगे चल के जो द्वंद्वात्मक विधि विकसित होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अभी यहां पर दो ही चीजें हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। इसका एक चीज और हो जाती है फिर आगे चल के, इसको बोलते हैं संपक्ष। पक्ष प्रतिपक्ष संपक्ष, इसको भी थोड़ा और समझ लो ध्यान से। क्या होता है, कोई भी अवधारणा है उसका सबसे पहले होता है पक्ष, फिर उसका विरोधी प्रकट हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, प्रतिपक्ष। फिर दोनों का समन्वय पैदा हो जाता है मिलजुल के, तीसरा, तो इसको क्या बोलते हैं, संपक्ष। और इस विधि को क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक विधि। तो अब सुकरात की दर्शन विधि आपको समझ में आ गई, परिभाषा मूलक विधि है ना, वार्तालापी विधि, संशय मूलक विधि, द्वंद्वात्मक विधि, ये सब क्या है, सुकरात की दर्शन विधि। बताओ भाई किसी को इसमें दिक्कत आई हो तो। तो सुकरात जीवन भर यही करते रहे, कभी भी उनको नैतिकता के, ईमानदारी के, शुभ के, शुभ का मतलब होता है अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है,
जिसको वो नैतिक शुभ बोलते थे, जिसको वो सदगुण बोलते थे, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मतलब दार्शनिक का उद्देश्य ये नहीं होता है कि चीजों को खोज दे, उसका तो जीवन सतत इसी में है कि वो विभिन्न अवधारणाओं के उत्तर ढूंढता रहे। तो ये थी सुकरात की दर्शन विधि। किसी को कोई शंका डाउट, अभी आप लोग उस पर चर्चा कर लो। तो आप तो लिख सकते हो ना इसको आराम से, पता बेटा? ठीक। एक चीज इसमें और रह गई है, वो अलग से भी आ सकती है आपके 200 शब्दों में और 50 शब्दों में भी आ सकती है, तो उस पर थोड़ी और चर्चा हम लोग कर लें, फिर ये पूरी की पूरी समाप्त। उद्बोधन विधि लिख लो इसको, तथा धात्र विधि। तो देखो, सुकरात और प्लेटो, इन दोनों का यह मानना था कि जो संप्रत्यय होता है, संप्रत्यय क्या होता है आप लोग जानते हो, बहुत चर्चा इस पर कर चुके हम लोग। 10 गायों को देखते हैं, गाय काली मोटी पीली कैसी भी हो सकती है, लेकिन सभी में एक चीज क्या होती है कॉमन, गायपन। तो गायपन को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रत्यय। और उसको किससे जानते हैं, बुद्धि से, उसको किसी इंद्री से हम लोग नहीं जान सकते। ये प्रश्न उठा कि आखिर ये संप्रत्यय रहते कहाँ हैं, और ये बहुत ही दर्शन का गूढ़ प्रश्न है, इस पर आगे आप लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग प्लेटो पढ़ेंगे। तो एक इसका उत्तर प्लेटो और सुकरात ने ये दिया कि सभी ज्ञान व्यक्ति में जन्मते समय ही रहते हैं। जरूरत है एक अच्छे शिक्षक की, जो आपके अंदर के ज्ञान को बाहर निकाल दे। तो जिस प्रकार से एक दाई होती है, दाई का काम होता है बच्चे को अच्छी तरह से जन्म दिला देना, और दाई को कहते हैं धात्र। तो जिस तरीके से एक कुशल दाई बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल देती है, उसी तरीके से एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकाल देता है। तो इसी को कहते हैं उद्बोधन विधि। और यह भी सिद्ध किया सुकरात ने, सुकरात ने एक अज्ञानी दास को अपने सामने बिठाया और उससे वही वार्तालाप करने लगे, ये क्या होता है, फलाना क्या, ढिकाना क्या। और बातचीत करते करते बात यहां तक आ पहुंची कि उस अशिक्षित दास ने एक प्रमेय को सिद्ध कर दिया। तो सुकरात ने बताया फिर कि देखो, ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने इतनी कठिन प्रमेय कैसे सिद्ध कर दी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इसके अंदर यह ज्ञान पहले से ही था, जरूरत किस बात की थी, उसको बाहर निकालने की, उद्बोधित करने की। तो इसी लिए इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, उद्बोधन की विधि या धात्र विधि। इसको भी लिख लो ऐसे ही, बस एक हेडिंग बना के। और फिर यहीं से इन्होंने कहा कि नैतिकता, पवित्रता, साहस, वीरता सभी व्यक्ति के अंदर होते हैं, जरूरत है उनको बाहर निकालने की।
क्लियर हुआ? बताओ भाई, आप किसी को सुकरात की दर्शन विधि में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्या क्या पॉइंट्स लिख लेंगे आप लोग जो भी बताए हैं? इसमें कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हमसे पूछो, आराम से उसको पढ़ के उस पर आप लोग गंभीरता से उसको समझ सकते हो। अब एक नया प्रश्न बनता है और उसको भी जरा ध्यान से का नीति विचार और ज्ञान मीमांसा, देख लो इसको। इसमें भी बातें वही हैं। देखो क्या है, हर दार्शनिक की एक टैग लाइन होती है, वो टैग लाइन आप लोग दिमाग में बिठा के रखना हमेशा, और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आ तब भी कुछ भी लिखाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। याद रखें केवल सुकरात से पहले कौन हुए? सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या कहते थे? ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्लियर? और सुकरात क्या कहते थे कि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है। इनके बीच भेद क्या था? कि प्रत्यक्ष ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? इंद्रियों से। और संप्रत्यात्मक ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? बुद्धि से। तो संप्रत्यय से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो सुकरात भी, अभी जितनी भी चर्चा हम लोगों ने की, वो नैतिकता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, सद्गुण का प्राप्त करना चाहते थे ज्ञान। सद्गुण का मतलब सर्वोच्च सच्चाई या सर्वोच्च अच्छाई, गुडनेस क्या है आखिर। और उनका कहना था कि जो सद्गुण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो खुद सद्गुणी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छाई का ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका जीवन भी उसी के अनुसार संचालित होने लगता है, इसलिए वो जीवन भर इन नैतिक मान्यताओं के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये सच्चाई है कि उनको जीवन में कभी भी इन चीजों के परफेक्ट आंसर नहीं मिले, लेकिन तब भी उन्होंने कहा मनुष्य का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो इन चीजों को प्राप्त करते रहने का प्रयास करते रहे। कोई 100% उनको आंसर इन चीजों के नहीं मिले। तो सुकरात की जो नीति विचार है वो मानव केंद्रित है, मानव केंद्रित। शुरू में हमने आपको बताया था बहुत ही प्रसिद्ध एथेंस में मंदिर है डेल्फी, और उसमें लिखा हुआ है मनुष्य तुम अपने को जानो। तो सुकरात की रुचि इसमें नहीं थी कि ये दुनिया किससे बनी है, किस पदार्थ से बनी है, जल से बनी, अग्नि से बनी, वायु से बनी, तो वो सृष्टि मीमांसा में सुकरात की रुचि नहीं थी। सुकरात की रुचि थी किसमें? मनुष्य में। और उन्होंने जो अपनी नैतिकता की थ्योरी दी वो केवल किसके संदर्भ में दी है? मनुष्य के संदर्भ में। तो मनुष्य को हमेशा आत्मसंयम, साहस, वीरता, नैतिकता, इसके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी नैतिकता में कहा है
सद्गुण ज्ञान है। इसका ज्ञान प्राप्त करना है। सद्गुण का मतलब सबसे अच्छी अच्छाई। सरल भाषा में अगर इसको समझना चाहे तो सद्गुण के माने क्या हुए, जो परम अच्छाई है, सबसे अच्छी अच्छाई। अच्छाई भी देखो, हम लोग अच्छाई पर भी बहस कर सकते हैं, अच्छा क्या है, है ना। तो कई लोग कहेंगे पैसा मिल जाए, बढ़िया आराम से खाओ पियो, वो अच्छाई है। फिर हो सकता है कि कुछ लोग इसको गलत सिद्ध कर दें, सुख क्या है, शुभ क्या है, ये बड़े सेंसिटिव प्रश्न है और ये उठते हैं। शुभ का मतलब होता है अच्छाई। अब आपसे ही हम पूछें, क्या आपको अच्छा लगता है? कई लोगों का उत्तर होगा कि यार हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बढ़िया मर्सिडीज में घूमे, देश विदेश में घूमे, महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाए, बढ़िया है। लेकिन कुछ लोगों को यह चीज बढ़िया नहीं लगेगी, उनको मजा उतना रेस्टोरेंट में खाना खाने से नहीं आएगा जितना एक अच्छी किताब पढ़ने से आएगा। तो फिर क्या है शुभ? इसका शुभ सही है कि उसका शुभ सही है? इसका सुख अच्छा है कि उसका सुख अच्छा है? तो अच्छाई क्या है, सद्गुण क्या है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन शास्त्र में। सुकरात के लिए भी महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने कहा सद्गुण ज्ञान है। जब हमको सद्गुण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर हम सर्वोच्च तल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जीवन भर प्रयास करने के बावजूद भी सुकरात कभी सद्गुण का ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने कहा लगे रहो इस चीज में हमेशा। तो यही उन्होंने कहा, यही जीवन है कि आप हमेशा नैतिकता, अच्छाई, शुभ, वीरता, इन सब को जानने का जीवन भर प्रयास करते रहे। ठीक है, तो ये तो होगा इनके नीति संबंधी विचार। अब इनकी आ जाती है ज्ञान मीमांसा। इसको भी आप लोग बहुत बार अभी हम आपको समझा चुके हैं। ज्ञान मीमांसा में हम किसका अध्ययन करते हैं, अभी आप ही लोग बताओ कि आखिर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। यही तो है ज्ञान मीमांसा। तो सुकरात से पहले सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा थी, और सोफिस्टों की ज्ञान मीमांसा क्या थी कि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को ही सोफिस्ट ज्ञान की संज्ञा प्रदान करते थे। लेकिन आप लोग बहुत भली भांति पढ़ चुके हो कि प्रत्यक्ष पर आधारित अगर ज्ञान को हम ज्ञान माने तो उससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पांच इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो परिवर्तनशील होता है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, वो आत्मनिष्ठ होता है, सापेक्ष होता है, निरपेक्ष ज्ञान हमको प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं होता है। तो सुकरात का कहना था कि जो ज्ञान है वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव ज्ञान से नैतिकता ध्वस्त हो जाती है, और वो आप लोग सोफिस्टों के संदर्भ में कई बार पढ़ चुके। तो उनकी ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष उनका है ज्ञान मीमांसा का, वो ये इस चीज का खंडन करेंगे जो सोफिस्ट देखे गए हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे। क्या
क्या सिद्ध करेंगे सुकरात? ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। सोफिस्ट क्या कहते थे? ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है वो सिद्ध करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान क्षणिक होता है, सापेक्ष होता है, परिवर्तनशील होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, सार्वभौमिक नहीं होता है। तो क्या होता है ज्ञान? अब यह भी प्रश्न उठा, तो अब क्या सिद्ध करेंगे? ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है। तो बहुत ही देखो सिंपल है, अगर आपको लिखने को आ जाए सुकरात की ज्ञान मीमांसा, आंख बंद करके लिख देना सुकरात की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष में उन्होंने यह सिद्ध किया कि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान वही बात है, सापेक्ष है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ज्ञान क्या है? उन्होंने कहा ज्ञान संप्रत्यात्मक है। अब ज्ञान संप्रत्यात्मक है तो संप्रत्यय का मतलब आप लोग जानते ही हो, संप्रत्यय का मतलब होता है हम तमाम वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं में दो प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण होते हैं उनके आकस्मिक गुण, जैसे ये पूरी रो बैठी हुई है, लड़के बैठे हुए हैं। अब पीछे वाले हैं भैया, उनकी दाढ़ी हल्की हल्की, आगे वाले हैं उनके लंबे बाल नहीं हैं, ठीक है, किसी के बाल ऐसे हैं, किसी की हाइट 5'6" है, किसी का हाइट 5'10" है। तो ये सब क्या है? उनके आकस्मिक गुण हैं। लेकिन सभी लड़कों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? लड़कापन। क्या उनमें कॉमन है? लड़कापन। और लड़कापन आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, वो किससे जानते हैं हम लोग? बुद्धि से जानते हैं। सिंपल। तो ज्ञान क्या है? संप्रत्यात्मक है। तो इसी चीज के, इसी के माध्यम से तो वो नैतिकता का ज्ञान बुद्धि से प्राप्त करना चाहते थे। देखो बुद्धि और प्रत्यक्ष, इसकी लड़ाई बहुत तगड़ी है। अब बताएं आपको, प्रत्यक्ष ज्ञान हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? अपनी इंद्रियों से, ठीक है। कभी हम लोग निमंत्रण खाने जाते हैं, ठीक, पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही है, लेकिन सामने बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए हैं, अब लग रहा है मटर पनीर भी खा लो, है ना, और मलाई पनीर भी खा लो, फलाना भी खा लो, ढिकाना भी खा लो। क्यों? इंद्रिय उसको आकर्षित कर रही है। लेकिन हमारी बुद्धि भी हमको कहती रहती है, अरे यार हल्के हाथ से बल्लेबाजी करो, और नहीं तो सुबह पेट में बहुत भारी दिक्कत होने वाली है। तो देखो ये है कि नहीं, बुद्धि उसको संचालित करती है। तो ये जो दार्शनिक ये लोग हैं, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये लोग कहते हैं कि बुद्धि से संचालित होना चाहिए, इंद्रियों से नहीं। इंद्रिय ज्ञान आपको भुलावे में डाल देता है, लेकिन बुद्धि से कंट्रोल रखोगे तो इंद्रिय ज्ञान को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सुकरात की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हुए, सिंपल सा है। पहले पक्ष में वो क्या कह देंगे, सिद्ध कर देंगे कि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, तो ज्ञान क्या है? अब वो सिद्ध कर देंगे ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है। तो यह है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। बताओ भाई, क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? चलो, एक चीज और रह गई अंतिम, सुकरात का आचार दर्शन।
आचार शास्त्र, इसी को नीति शास्त्र भी से भी कंपेयर कर लिया जाता है। तो इतनी चर्चा के बाद एक चीज तो आपके दिमाग में अवश्य बैठ चुकी होगी कि सुकरात इन नैतिक सिद्धांतों का या नैतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने वार्तालाप की विधि, द्वंद्वात्मक विधि, धात्र विधि, इन सबको अपनाया था। और उनका प्रमुख मुद्दा यह था कि सद्गुण का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। और सद्गुण के मायने क्या होते हैं? सर्वोच्च अच्छाई। तो उनका यह मानना था कि जो व्यक्ति सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त कर लेगा, फिर वो जीवन में कभी बुराई नहीं करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत जोर दिया सद्गुण ज्ञान है। अगर उस सद्गुण को कोई प्राप्त कर ले तो उसका जीवन उसी के अनुसार संचालित होगा और वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो इसमें लिखो, देखो नंबर 1 पॉइंट लिख लो इसमें, सुकरात का आचार दर्शन, सद्गुण ज्ञान है, और ज्ञान संप्रत्यय से प्राप्त होता है। सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? संप्रत्यय, सभी लोग जानते हो। तो संप्रत्यय से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। यूनिवर्सल होता है। क्या हुआ भाई, लाइट चली गई? संजीव बुलाना, इसको चालू करना पड़ेगा। चलो 10 मिनट बाद क्लास लेते हैं, फिर अभी ब्रेक कर देना। ठीक है, 10 मिनट से आ। तो देखो, हम लोग सुकरात का आचार दर्शन, और आचार दर्शन में वही बात कि सद्गुण का ज्ञान
और सद्गुण का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? बुद्धि से, संप्रत्यय से। और संप्रत्यय किससे हम लोग जानते हैं? बुद्धि से। चूंकि बुद्धि सभी व्यक्तियों में एक समान होती है, इसलिए बुद्धि पर आधारित ज्ञान या संप्रत्यय पर आधारित ज्ञान सार्वभौमिक होता है। तो अगर हम नैतिकता को समझना चाहते हैं तो नैतिकता का ज्ञान किससे होगा? संप्रत्यय से होगा। संप्रत्यय को किससे जानते हैं? बुद्धि से जानते हैं। बुद्धि क्या? सभी व्यक्तियों में एक समान होती है, इसलिए वो मोरालिटी के नियम सभी के लिए एक समान माने जाएंगे। क्लियर? इसका बी पॉइंट लिखो। बुद्धि, तो बुद्धि ही सुकरात का कहना है मानव जीवन का संचालन करती है। और अगर कोई व्यक्ति यह जान ले कि अच्छाई क्या है, या शुभ क्या है, तो वो इसी के अनुसार फिर अपना आचरण भी करेगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है कि अगर कोई व्यक्ति ये जान ले सद्गुण क्या है बुद्धि के माध्यम से, तो फिर उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन भी करेगा। तो ये दूसरी चीज थी। अब तीसरी चीज, सी, सद्गुण क्या बोलते थे? ज्ञान है। सद्गुण ज्ञान है, और हम लोग जानते हैं कि ज्ञान क्या है? सिखाया जा सकता है। तो सद्गुण को भी क्या है? सिखाया जा सकता है। अब इसकी कोई पढ़ाई गणित वगैरह की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अच्छाई को, सद्गुण को हम सिखा सकते हैं लोगों को। कैसे सिखा सकते हैं? बातचीत करके कि भाई नैतिकता क्या है, ईमानदारी क्या है, साहस क्या है। दूसरा, किस्से कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को यह सिखाया जा सकता है कि नैतिकता, सद्गुण क्या है। तो अगर एक बार व्यक्ति ये समझ जाएगा सद्गुण क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुकरात ने बोली, फिर वो उसी के अनुसार संचालित होगा, फिर वो बुराई में कभी नहीं फंसेगा। तो ये सुकरात का दूसरी बात थी। तीसरी बात उन्होंने बोली, सद्गुण एक है, आगे चल के आप लोग जब प्लेटो की फिलॉसफी पढ़ोगे, तो जैसे ये सद्गुण एक है, ऐसे ही प्लेटो के दर्शन में आपको पढ़ोगे आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय, और वो सर्वोच्च ऊंचाई पर होता है। तो इसी तरीके से सद्गुण एक है, आप क्रमबद्ध तरीके से ऊपर जब बढ़ते चले जाओगे तो अच्छाई का एक मानक मिलेगा आपको सर्वोच्च, और वो क्या कहलाता है? सद्गुण। और वो अपने आप में एक है, यूनिक है, ऐसा सुकरात का कहना था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और सुकरात ने बोली,
सद्गुण से आनंद की प्राप्ति होती है। जो सद्गुण को जान जाएगा हैप्पीनेस, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जो शुभ को जान जाएगा तो शुभ को जानने से क्या प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। अब इसकी व्याख्या दो तरीके से की गई। थोड़ी देर पहले जब क्लास रुकी थी उससे पहले ही हमने आपको बताया था कि दो तरीके से सुख होते हैं, एक होता है इंद्रिय सुख और एक होता है बौद्धिक सुख। अब सुकरात के साथ दिक्कत क्या थी, हमने कई बार बताया कि ये शुभ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे लेकिन जीवन भर लगे रहे। सर्वोच्च सुख क्या है, सद्गुण क्या है, उनके 100% आंसर उनको नहीं मिले। लेकिन सुकरात के बाद कुछ एक दार्शनिक संप्रदाय और सामने निकल कर आते हैं, उन्होंने सुकरात के शुभ को सुख में बदल दिया। किसमें बदल दिया, कि सुकरात का जो शुभ है उसके मायने उन्होंने क्या निकाल दिए, सुख। और सुख भी किससे, इंद्रिय सुख। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो ही सुख है। तो इंद्रियां हमारी, देखो हमेशा बेचैन रहती हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख की कोई सीमा नहीं है, है ना। सुबह आप लोग पोहे का नाश्ता करके आए, थोड़ी देर बाद जीभ और लपलपाने लगी, लगा कि पिज्जा खा लो, है ना। पिज्जा खा लिया, उसके बाद लगा कुछ और चीज खा लो। तो क्या है ये, इंद्रिय सुख की कोई लिमिट नहीं है। तो कुछ दार्शनिकों ने सुकरात के शुभ को किसमें बदल दिया, इंद्रिय सुख में। और उन्होंने कहा कि इंद्रिय सुख ही प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो इंद्रिय सुख है वो ही सर्वोच्च है। तो ऐसे लोग कहलाए सुखवादी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग और थे जिन्होंने सुख को या शुभ को किसमें लिया, आनंद के रूप में। तो आनंद के रूप में जिन लोगों ने लिया उनका कहना था कि नहीं साहब, इंद्रिय सुख तो हमको भुलावे में डालते हैं, आत्मिक सुख होना चाहिए जिससे आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। और पहले भी हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो इंद्रिय सुख में विश्वास नहीं करते हैं। अपने आप ही देखो, महात्मा बुद्ध हुए थे, उनकी उनकी पूरी आपने कहानी भी पढ़ी होगी, जीवनी भी पढ़ी होगी। क्या कमी थी भैया उनके पास, बड़े राजकुमार थे, बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ उनके पास था, हर इंद्रिय सुख उनके पास उपलब्ध था, तब भी उनको उससे संतुष्टि नहीं मिलती थी। तब भी उन्होंने घर बार त्याग दिया और जाकर तपस्या की और आखिरी में ज्ञान प्राप्त किया, बोध ही प्राप्त की। तो अगर वो इंद्रिय सुख में ही डूबे रहते तो क्या दिक्कत थी उनको, बढ़िया राजकाट चलाते, बढ़िया शादियां करते, बहुत सारे दास दासियां रखते और एक राजा जैसे जीवन व्यतीत करता वैसे करते। लेकिन उन्होंने इंद्रिय सुख से के ऊपर विजय प्राप्त की। महावीर स्वामी, उनको जिन भी कहा जाता था, क्यों कहते थे भैया जिन, जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। किसको विजय, क्या किस चीज के विजेता थे, इंद्रियों को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था,
इंद्रिय सुख के भुलावे में वो नहीं आना चाहते थे, उन्होंने इंद्रिय सुखों पर जीत हासिल कर ली थी, इसलिए उनको क्या बोलते थे? जिन। और जिन से ही क्या शब्द बना? जैन। तो अब आपको ये अंतर समझ में आ गया कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। सुख क्या हो गए हैं? इंद्रिय सुख। आनंद क्या है? आत्मिक सुख, जो आपको इंटरनली अच्छा फील कराए। तो चूंकि इन्होंने सुख की पूरी व्याख्या नहीं की थी, किसने? सुकरात ने। सुकरात ने एक्चुअली में खोज करते रहे, वो खोजी किस्म के दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य यही था कि हम अनवरत दार्शनिक खोज में लगे रहें, वो ही जीवन है। भले ही उन चीजों के पारभाषिक या उनकी बिल्कुल मतलब पारभाषिक 110% डेफिनेशन प्राप्त ना हो, लेकिन हमारा काम क्या है? सच्चाई की खोज में नॉन स्टॉप लगे रहना। ये काम किया था सुकरात ने पाश्चात्य दर्शन में। तो यहां आके आपके सुकरात समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी चर्चा इसके बाद इनके जो शिष्य आते हैं प्लेटो, उसके ऊपर कर लेते हैं और कल से अपने प्लेटो स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी, जिनको माध्यम की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी तत्काल ही आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जो जिनका माध्यम अंग्रेजी है तो उनका अंग्रेजी में आपको नोट्स भी अभी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पूरी की पूरी जितनी भी हम लोगों ने चर्चा की है, बहुत सरल है ये, घुमा फिरा के वहीं आ जाना। कहां से स्टार्ट हुई थी कहानी अपनी? सोफिस्टों से। बस ये याद रखो, क्या बोलते थे सोफिस्ट? प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रियों पर आधारित ज्ञान, ठीक है। ये बात सुकरात को ठीक नहीं जची। सुकरात क्या बोले भैया? ज्ञान संप्रत्यय पर। संप्रत्यय किससे प्राप्त होता है? बुद्धि से। पर इतना सीख गए आप लोग, पूरे के पूरे तीनों दार्शनिक सीख चुके हो। अगर ये तीन लाइनें अगर आपने सीख ली हैं, पूरे के पूरे प्लेटो सुकरात अरस्तु आप ऑलरेडी सीख चुके हो। कहीं कंफ्यूज भी हो जाओ, किसी प्रश्न में उलझ भी जाओ, यही लिख देना, जरूर लिख देना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये मत समझना कि हम लोग दर्शन साथ बहुत गहरे तरीके से पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब सुकरात आप पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ो, तो सुकरात प्रत्यक्ष का खंडन कर रहे हैं और संप्रत्यय की थ्योरी दे रहे हैं। तो संप्रत्यय क्या है ये पता करना पड़ेगा ना, नहीं कैसे रटोगे आप? तो अब आपसे कोई पूछे संप्रत्यय क्या है, आप तत्काल हमें लगता है बता दोगे, नो डाउट। एक दिक्कत आई कि ये संप्रत्यय रहते कहां है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आई निकल के। क्योंकि सुकरात ने, आप लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष और संप्रत्यय में काइंडली डिफरेंस कर दिया था। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्राप्त होता है, परिवर्तनशील होता है, क्षणिक होता है, आत्मनिष्ठ होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। संप्रत्यय बुद्धि से प्राप्त होता है, सार्वभौमिक होता है। संप्रत्यय क्या था? सभी जो भी वस्तुएं हैं उनका एक सामान्य जाति गुण। जैसे गाय हम लोगों ने देखी, तमाम सारी गाय देखी प्रत्यक्ष से, कॉमन चीज क्या इसमें निकल कर आई? गायपन। और गायपन क्या हुआ? संप्रत्यय। और उसको हम इंद्रिय से नहीं प्राप्त कर सकते, उसको हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? बुद्धि से। अब कहां रहते हैं ये साहब? क्या गायपन गाय में ही रहता है कि नहीं रहता? गायपन गाय में रहता है कि नहीं रहता? दिक्कत सुकरात को भी आई, तो सुकरात ने कहा कि ये जो संप्रत्यय है ये जन्मजात होता है, पहले से ही मनुष्य के मन में होता है। दो बातें घुमाने लगे कि नहीं?
कि उन्होंने देखो उन्होंने आगमन विधि उनकी पढ़ाई थी, तो क्या हम लोग करते हैं किसी चीज का संप्रत्यय बनाने के लिए पहले हम वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमको गाय का संप्रत्यय बनाना है तो हमारा प्राथमिक काम क्या होगा, तमाम सारी गायों का हम निरीक्षण करें, और निरीक्षण हम किससे करते हैं, प्रत्यक्ष से। सिंपल सी बात है, समझते चले जाना। गायों का निरीक्षण कर रहे हैं, जितनी गाय थी उनका सामान्य जाति गुण हम लोगों ने उठा लिया। सामान्य जाति गुण मतलब कॉमन क्या था, गायपन, और उसको हमने बना दिया संप्रत्यय। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है ना, प्रत्यक्षों का निरीक्षण तो करना पड़ा। बिना प्रत्यक्ष के निरीक्षण करें आप संप्रत्यय कैसे बनाओगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष से ज्ञान जो प्राप्त होता है वो ज्ञान ही नहीं है, और दूसरी तरफ आप प्रत्यक्ष को ही मान के ही तो संप्रत्यय बना रहे हो। तो देखो फंसने लगेगी नहीं ये लोग, तब ये लोग अब क्या करेंगे, ये लोग अब ये लोग कहेंगे नहीं साहब ये संप्रत्यय ये दिव्य दृष्टि से प्राप्त होता है, ये संप्रत्यय ये धात्र विधि जो अभी बताई थी ना ऑलरेडी मन में ही होता है, इसको बस निकालने की देर होती है। तो हल्के फुल्के तो सुकरात भी फंस रहे थे। अब प्लेटो ने क्या किया जाके, प्लेटो ने ये कहा कि जो जो चीज संप्रत्यय सुकरात के यहां है वो ही प्रत्यय आइडिया किसके यहां है, प्लेटो के यहां है। उनके सामने भी दिक्कत आई कि आखिर ये प्रत्यय रहते कहां है, तो उन्होंने कहा ये प्रत्यय स्वर्ग में रहते हैं, ये वस्तुओं में नहीं होते हैं। एक्चुअली में प्लेटो के ऊपर तीन दार्शनिकों का बड़ा प्रभाव था, सुकरात तो ऑलरेडी थे ही, एक दार्शनिक थे पार्मेनाइड्स, उनका कहना था कि जो परम सत्ता है वो एक है, स्थिर है, गति भ्रम है। दूसरे दार्शनिक है और एक और हुए हेराक्लाइटिस, उन्होंने कहा था कि जो सत है वो परिवर्तनशील है, और ये वो ही थ्योरी थी जो महात्मा बुद्ध ने दी थी। महात्मा बुद्ध भी क्या कहते थे, सत परिवर्तनशील है, आप एक बार मतलब किसी नदी में दो बार नहा मतलब नहीं नहा सकते हो, आप जब नहाने गए तो वो पानी बह चुका है, सत परिवर्तनशील होता है, ये महात्मा बुद्ध की टैग लाइन है और ये साइंटिफिक बात है। हर वस्तु में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। ये सामने ये जो भी रखा हुआ है बॉक्स, आप 1000 साल बाद यहां आओ, क्या ये बॉक्स इसी अवस्था में होगा? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? कुछ भी हो परिवर्तन, आप जो जैसे पैदा हुए थे, फोटोज देखना अपने पुराने, अभी देखना, अंदर दिखता है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। हम लोग श्वास लेते हैं, तमाम सारी चीजें अंदर गई, श्वास बाहर छोड़ी, तमाम सारी चीजें, लेकिन वो क्या है, परिवर्तन हमको एकाएक दिखाई नहीं पड़ता, एक बिंदु पे आके हमको दिखने लगता है। अभी हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रही हो, 10 दिन देखते रहना कोई परिवर्तन नहीं लगेगा, सर वैसे ही हैं, आप भी वैसे ही हो, वही जैकेट है, वही हेयर स्टाइल है। 20 साल बाद हमको देखना या हम आपको 20 साल बाद देखें, तब परिवर्तन, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना, क्षण प्रति क्षण हो रहा है। तो यही बात बोली थी हेराक्लिटस ने पाश्चात्य जगत में, और भारतीय दर्शन में इसको बताया था बुद्ध ने। तो उनका भी प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा, फिर प्लेटो के दर्शन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय दर्शन में है। भारतीय दर्शन के जो 9 दार्शनिक संप्रदाय हैं उसमें से केवल 2 को छोड़ दो, बुद्ध या बौद्ध और चार्वाक, बाकी के सभी आत्मा को मानते हैं। किसको मानते हैं?
और आत्मा के पीछे थ्योरी क्या है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा नहीं मरती है, और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता है वो बार बार जन्म लेती है। ये थ्योरी प्लेटो भी मानते थे, प्लेटो भी का भी कहना था आत्मा होती है और बंधन भी होता है, मोक्ष भी होता है। बंधन कब होता है आत्मा का? जब आत्मा देह धारण करती है। और मोक्ष कब होता है? जब आत्मा का देह से जो जुड़ाव है वो अलग हो जाता है और आत्मा स्वर्ग में चली जाती। शुद्ध भारतीय दर्शन की बातें हैं ये, और ये प्लेटो के यहां भी आपको पढ़ने को मिलेगी। वो भी आवागमन की थ्योरी को मानते थे, वो भी बंधन और मोक्ष की थ्योरी को मानते थे, वो भी आत्मा की थ्योरी को मानते थे। तो सिंपल सी चीजें दिमाग में रखो, आपको जो समस्याएं अब सुकरात छोड़ के गए हैं उनको हल कौन करेंगे? प्लेटो। तो प्लेटो की कहानी भी यहीं से स्टार्ट होगी, जो जहां सोफिस्ट छोड़ के गए थे। सोफिस्टों ने क्या कहा था? ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्लेटो पहले इसका खंडन करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। फिर क्या सिद्ध करेंगे प्लेटो? ज्ञान प्रत्यय है। इन्होंने क्या सिद्ध किया था? ज्ञान संप्रत्यय है। प्लेटो क्या सिद्ध करेंगे? ज्ञान प्रत्यय है। और सिद्ध वैसे ही करेंगे, सबसे पहले सोफिस्टों की थ्योरी को खारिज करेंगे। और सोफिस्टों की थ्योरी क्या है? ज्ञान प्रत्यक्ष है। और इसको खारिज करके फिर वो अपना प्रत्यय सिद्धांत देंगे, ठीक है ना। तो उनके प्रत्यय सिद्धांत में फिर क्या समस्याएं पैदा होंगी? देखो, प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक, अब समझ लो आप। भारत के बहुत बड़े दार्शनिक शंकराचार्य, वो भी प्रत्ययवादी दार्शनिक। इन प्रत्ययवादी दार्शनिकों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है जो प्रत्यक्ष से हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, ये क्या है? फिर जब आप प्रत्यक्ष को कुछ मानते ही नहीं हो तो फिर ये सब क्या है? ये क्या भ्रम है? तो शंकराचार्य तो कहते हैं ये भ्रम ही है, क्योंकि शंकराचार्य की टैगलाइन क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसे ही प्लेटो के यहां भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो प्रत्यक्ष से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भ्रम है। सही ज्ञान क्या है? प्लेटो कहेंगे आइडिया ऑफ गुड का ज्ञान सही है, शुभ का प्रत्यय। शंकराचार्य क्या कहेंगे? सही ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान। केवल शब्दावली बदल गई है। जो प्लेटो के यहां आइडिया ऑफ गुड है वही शंकराचार्य के यहां क्या है? ब्रह्म है। क्लियर? तो इनको हम लोग धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, और अब जो सेकंड क्लास लगेगी, आज गोपाल सर चूंकि नहीं आए हैं, उनकी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब है, तो अब विश्वास सर पढ़ाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनको आज सुकरात की पूरी इंग्लिश मीडियम में आपको चीजें अवेलेबल होंगी।